जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद उसामा एंड आई एम फ्रॉम टुबर टेक इन पाकिस्तान, जॉइनिंग यू लाइव टू आंसर योर क्वेश्चंस अबाउट ऑनलाइन अर्निंग यूजिंग कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम गुड टिप्स एंड गुड ट्रिक्स अबाउट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. और उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा फाइवर के हवाले से, जिससे आपकी ऑनलाइन अर्निंग इम्प्रूव हो सकती है. ठीक है, और उसके साथ साथ आपको मैं तीन ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मैंने पिछले हफ्ते में सीखे हैं, जो कि आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और आपकी कम्युनिकेशन भी उनसे अच्छी हो सकती है और आपके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो सकते हैं. ठीक है, इन केस यू वांट टू लर्न कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, प्लीज एज यू वाचिंग मी ऑन माय स्क्रीन, इट इज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. आप इधर कमेंट में लिख दें ताकि हम आप लोगों को फॉलो कर सके और हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के हवाले से इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर देगा आपके इनबॉक्स में. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. तो आज का सबसे पहला टिप जो है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के हवाले से, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट होती क्या है. एक्चुअली ये कौन सी नई स्किल है जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे ख्याल में बहुत ही कम सुना होगा, बिकॉज वी आर द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड दैट आर इंट्रोड्यूसिंग दिस स्किल एंड वी बिलीव दैट दिस इज द बेस्ट स्किल इन द वर्ल्ड टू डू योर टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस एंड टू इंक्रीज योर ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस. डजेंट मैटर, मॉड्यूल वही है, सिस्टम वही है, आपको जस्ट इसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट इज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इस हवाले से हम इसको देखेंगे कि जिस तरह एक बिजनेस की एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कीबोर्ड है सेल करने के लिए जो कि यूज होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर टाइप करने के लिए. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो कीबोर्ड्स हैं वो मैक्सिमम जगह पे सेल हो जाए. एक्चुअली हर बिजनेस ओनर यही चाहता होता है कि उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल होती जाए और उसको ज्यादा से ज्यादा सेल मिलती जाए. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा मैसेज लिखना है जो कि उन लोगों के लिए हो जो कि कंप्यूटर को यूज करते हैं, ताकि उनको समझ आ सके कि जनाब ये जो मैंने कीबोर्ड बनाया है इसमें ये वाले फीचर्स हैं, आपके पुराने कीबोर्ड से इस तरह से मुख्तलिफ है और आपका इस तरह से इससे टाइम सेव हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू शेयर विद अदर पीपल सो दे कैन गेट कॉन्टेक्ट. ठीक है, अबाउट योर प्रोडक्ट, तो ये जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है इट इज 100% रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट होगी साथ में, ठीक है, एक तो कीबोर्ड हो गया और उसका जो कंटेंट है कि ये है क्या, इसमें क्या फीचर्स हैं, इट इज ऑल अबाउट कंटेंट एंड हाउ यू डिलीवर इट. ठीक है, तो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में ये आपको करना है, आपको उस तरह की कम्युनिटीज फाइंड करनी है जो कि कीबोर्ड को पसंद करती हो या फिर कंप्यूटर के रिलेटेड हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या फिर शॉप्स हो या फिर कोई पर्सनल यूज करता हो कंप्यूटर. ठीक है, या फिर आपको वो लोग फाइंड करने हैं जो कि नॉलेज रखते हो कंप्यूटर का, जो कि आपका जो कीबोर्ड है वो बाय कर सके. तो दिस इज अबाउट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड दिस इज व्हाट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. इसमें हम एक कंटेंट बनाते हैं जो कि कीबोर्ड है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है किसी भी बिजनेस की, हम उसका एक कंटेंट जनरेट करते हैं खुद से. ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक ऐसी कम्युनिटी में जहां पे उसकी कोई वैल्यू होती है, जहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वो फायदेमंद होती है और वो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंगेज करते हैं. ठीक हो गया, तो जनाब सबसे पहला टिप इसमें ये है कि शेयरिंग इज केयरिंग. कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इन व्हाट इज 100% रिलेटेड टू शेयरिंग इज केयरिंग. एज यू नो आई एम डूइंग दिस लाइव वीडियो एंड शेयरिंग माय एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस मंथ एंड फ्रॉम द प्रीवियस प्रैक्टिसेस
And from the actually from the last week that I have learned new things and I am going to share with you. Actually, I care about you. I care about my Pakistani friends, and I want to share my knowledge with them so they can outperform me and they can do best for themselves. ठीक है? तो सबसे पहले आप इस तरह करें कि sharing is caring. तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ वो भी सीख सके या फिर उनको भी इसका आइडिया हो जाए या फिर उनका भी जो बिजनेस है उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है या फिर उनको भी इसका कुछ फायदा हो जाए जिस तरह आप इससे कुछ फायदा उठाना चाहते हैं. ठीक है, तो जनाब दूसरी बात यह है कि ये क्यों होनी चाहिए, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ही क्यों होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इसलिए होनी चाहिए कि अगर तो आपने एक कीबोर्ड बना लिया है या फिर आपने कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, तो उस वक्त तक आपको उसका फायदा नहीं होगा जब तक लोग आपसे बाय नहीं करेंगे और आप दोबारा कोई उस तरह की नई प्रोडक्ट या फिर वही प्रोडक्ट की और जो सैंपल्स हैं कॉपीज हैं वो नहीं जनरेट कर सकते. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल योर प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज योर बिजनेस प्रोडक्टिविटी. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गो विद when you come to content distribution management. ठीक है, तो let me just get started with some good tips about marketing of the content distribution management. Today we are going to discuss everything that is related to content distribution management. There should be any word, ठीक है, and there exists and people are getting benefit from them. ठीक है जनाब, तो इसमें ये होता है कि हम लेते हैं जनाब 3 M's ऑफ मार्केटिंग. 3 M's ऑफ मार्केटिंग में ये होता है कि आपकी एक आपका एक मैसेज होता है, मैसेज के बाद आपके पास एक मीडियम होता है जिसके जरिए आप वो मैसेज पहुंचाते हैं एंड मार्केट इज द प्लेस वेयर यू हैव टू डिलीवर योर मैसेज. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक मैसेज राइट करना है और एक मीडियम फाइंड करना है, वो वाला मीडियम फाइंड करना है जहां पर आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं. ठीक है, वो उस मीडियम को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप अभी हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ये लिखा हुआ है, आप जिसको इसको कॉपी पेस्ट करें ताकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन मैं सेंड कर सकूं. ठीक है, तो 3 M's ऑफ मार्केटिंग में ये होता है कि जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल everything is included in the first step. This is called your message. कि आपका message कितना powerful है जो कि आपके customer को convince कर सके कि वो आपकी product ही buy करे. ठीक है, because आपको मैं इसके बारे में एक tip देता हूँ जिससे मुझे help हुई है, जिससे दुनिया की जो top companies हैं वो इसी module को follow करके अपनी जो sales है उनको increase कर रही है. ठीक है, और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है. वो क्या है कि ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाई, हमेशा आपने क्यों से स्टार्ट करना है कि जनाब मुझे क्यों मेरी प्रोडक्ट जो है वो मेरे कंपेटिटर से या आपके लिए किस तरह से अच्छी साबित हो सकती है. ठीक है, और आपको ये क्यों करना है. देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जनाब एक एप्पल के आईफोन है, ठीक है, और उसके साथ एक क्यू मोबाइल की कंपनी ले लेते हैं. As an example, we just have to share with you the exact idea of starting with why. और इसका फायदा क्या होता है और इसको हम क्यों इतना वैल्यू देते हैं. आपका जो मैसेज है उसमें ये 100% ऑफ द टाइम क्लियर होना चाहिए कि why your customer have to buy your product. Why your customer have spent his money and effort and time on your product. ठीक है, तो उसमें ये देखें कि एप्पल के पास अगर आप जाते हैं उनके मोबाइल फोन में इतने ज्यादा फीचर्स भी नहीं होते और इतने ज्यादा कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती जिस तरह के एक सैमसंग के या फिर एंड्रॉइड के फोन में थे, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब वी बिलीव दैट आवर प्रोडक्ट इज मोस्ट प्रीशियस, आवर प्रोडक्ट इज ओनली वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड. ठीक है, और इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारे इधर होती है. तो अगर फर्ज करें मैं एक मॉनिटर बाय करने जाता हूँ किसी भी कंप्यूटर शॉप के ऊपर, तो उसमें मैं जाऊंगा किसी शॉप के ऊपर, मैं एक शॉप पे जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि जनाब मुझे ये वाली LCD चाहिए और आप मुझे बताएं कि इसकी क्या प्राइस है और इसकी क्या फीचर्स हैं और इसकी गारंटी कितनी है. तो मुझे शॉपकीपर कहते हैं कि जनाब आप इस तरह करें,
आप ये वाली एलसीडी जो है ये ले जाए और इसके ये फीचर्स हैं। मैं उनसे पूछा जनाब इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। वो मुझे कहता है कि जनाब इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं तो डर जाऊंगा, मैं एक्चुअली क्या करूंगा कि मैं सिंपली ये करूंगा कि मैं उससे चला जाऊंगा, मैं वाली उस शॉप से चला जाऊंगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे उस बंदे से बाय करना है जो मुझे 100% ऑफ द टाइम इस बात को श्योर करे कि जनाब आपका जो ये मॉनिटर है ये आपके लिए बेस्ट है और ये कभी खराब नहीं होगा, ठीक है। मैं उस बंदे को छोड़ के अगली शॉप के ऊपर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब आप ये वाला मॉनिटर मुझे दिखाएं और इसकी स्पेसिफिकेशंस बताएं और इसके आप फीचर्स बताएं और आप इसके कोई भी मुझे बताएं कि इसकी गारंटी है कि क्या मैं आपसे अगर बाय कर लूं तो मेरी जो मनी एंड एफर्ट और एवरीथिंग विल बी सिक्योर। तो मुझे कहते हैं कि जनाब आप इसको आंखें बंद करके ले जाएं, ये मैं इस पर बड़ा बिलीव है, मुझे यकीन है कि मेरे कस्टमर कभी इसी प्रोडक्ट को लेके मेरे पास नहीं आए कि जनाब इसने हमें बेनिफिट नहीं दिया। तो मैं तो उसे इंस्पायर हो गया एक्चुअली, ठीक है। मैं उससे इंस्पायर होके वो वाली जो मॉनिटर है वो मैं अपने घर ले आऊंगा। उसकी वजह क्या हुई, वही सैमसंग की एलसीडी उसके कंपेटिटर के पास है और वही सैमसंग की एलसीडी उसके पास है, लेकिन इसमें फर्क आया सिर्फ एक वर्ड का जो है वाई, ठीक है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद वाई व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर मैसेज अबाउट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वाई से स्टार्ट नहीं करेंगे तो नो बॉडी कैन लिसन टू यू, ठीक है। जिस तरह अभी अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं कि अभी कभी आपने ऑनलाइन अर्निंग अपनी जिंदगी में की है या फिर आपने कभी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट अपनी जिंदगी में की है, और आप मुझे किस तरह बता सकते हैं। ये मीडियम है हमारे पास, मीडियम ये है कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जनाब यस मैंने मुझे पता है ऑनलाइन अर्निंग का, या फिर आप लिख सकते हैं नो कि जनाब मुझे नहीं पता ऑनलाइन अर्निंग का या मुझे नहीं पता कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर अगर अभी हमें आप कहीं से भी वॉच कर रहे हैं जी, प्लीज मुझे लिख के बताएं ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितना पता है और मुझे आपसे कम पता है या ज्यादा पता है, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू अवर पॉइंट। एक्चुअली व्हेन वी स्टार्ट विद व्हाई द थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज 100% ऑफ द टाइम बिकॉज पीपल नीड, एवरीबडी नीड सिक्योरिटी ऑफ देयर टाइम ऑफ देयर मनी ऑफ देयर वैल्यू एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। हर बंदे को अपने पैसों की अपने टाइम की बहुत ज्यादा कदर होती है और वो हमेशा अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। तो आपको कभी भी अगर मैसेज लिखना है आपकी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो आपको ये करना है कि आप सिंपली स्टार्ट विद वाई करें और उसको ये क्लियर कर दें कि जनाब आपको अगर मेरी प्रोडक्ट बाय करनी है तो यू आर 100% ऑफ द टाइम सिक्योर्ड, योर मनी इज मनी मनी पे बैक गारंटी एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सफर विद अस यू विल बी हैप्पी, ठीक है। थैंक यू सो मच मोहम्मद बशीर, ही इज माय मेंटर एज वेल एंड ही इज जॉइनिंग मी एंड ही इज लर्निंग फ्रॉम मी, दिस इज सच एन ऑनर फॉर मी एंड वैल्यू टू आवर कस्टमर। थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट यू एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि वाई के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। आपको मीडियम ऐसा चूज करना है, जब आपने मैसेज लिख लिया है तो आपको अभी मीडियम चूज करना है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के लिए, आपको मीडियम चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक मैसेज लिख लिया है कि जनाब मेरा ये वाला जो कीबोर्ड है इसमें इतने ज्यादा फीचर है और आपके इतने पैसे इस पे लगेंगे और आपकी इतनी ज्यादा इस पे एनर्जी सेव होगी और आपको ये वाली मैं मनी पे बैक गारंटी दे रहा हूँ, और मैंने आपको कन्विंस कर लिया है अपने कस्टमर को कि मैंने आपको कन्विंस कर लिया कि जनाब अगर आप मेरी ये वाली प्रोडक्ट बाय करते हैं यू आर 100% ऑफ द टाइम सिक्योर एंड यू विल बी सपोर्टेड बाय अस एवरी टाइम यू गेट एनी टेक्निकल प्रॉब्लम विद माई कीबोर्ड विद माई कंपनीज कीबोर्ड, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब बारी आती है मीडियम की कि आपके जो कस्टमर है वो किस मीडियम के ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं तो मैं आपसे अभी इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि जनाब मुझे अगर अपनी लाइव वीडियो से कुछ लोगों की हेल्प करना है तो मुझे फास्टेस्ट वे ये है कि मैं उसको रिकॉर्ड भी कर लूँ साथ में और साथ में जो भी आता जाएगा उसको वॉच करता जाएगा, उसको शेयर करता जाएगा अपनी टाइमलाइन पे, जो अच्छे लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो
उससे क्या होता है, दिस इज अ मीडियम, फेसबुक इज अ मीडियम फॉर मी एंड यू टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. यू हैव टू फाइंड दैट मीडियम वेयर योर कस्टमर आर प्रेजेंट. अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि जनाब हम इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. रियल लाइफ में भी इसी तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना कीबोर्ड ज्यादा से ज्यादा सेल करना है तो मुझे इसको लेके जाना चाहिए एक आईटी की मार्केट में. इंस्टेड आई कैन नॉट टेक इट टू द क्लॉथ मार्केट और सम फूड मार्केट्स. इट इज नॉट गोइंग टू सेल देयर. ठीक है, ये वहां पे कभी सेल नहीं होगा उतना ज्यादा जितना कि ये सेल होगा एक आईटी की मार्केट में. आईटी की मार्केट में ये क्यों सेल होगा? बिकॉज मेरे जो कस्टमर्स हैं वो वहां पे मौजूद हैं, ना कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो उधर किसी कपड़े की या फिर किसी खाने की दुकान के ऊपर मौजूद है. वो हमेशा मौजूद होंगे किसी भी कंप्यूटर शॉप के ऊपर या फिर कंप्यूटर सेंटर के ऊपर. डजंट मैटर व्हाट एवर दैट इज. तो आपको जब अपना मैसेज लिखना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग योर मीडियम फॉर कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ योर एफर्ट of your energy that you have spent and you have invested in writing the message and creating the problem and creating the value for everyone. ठीक है, तो जब आपने medium choose करना है तो उसमें आपने ये देखना है कि for example अगर मुझे अपनी ये video उन लोगों तक पहुंचानी है कि जो online earning करना चाहते हैं या फिर वो online earning से पैसे बनाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो educational purpose के लिए मुझसे information लेना चाहते हैं कि व्हाट इज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. आई एम गोइंग टू फाइंड एटलीस्ट सम ग्रुप्स सो दैट दे हैव सम ऑडियंस विद लाइक माइंडेड पीपल अबाउट ऑनलाइन अर्निंग, अबाउट लर्निंग कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. और मुझे उन ग्रुप्स में जाके अपनी ये वीडियो प्रेजेंट करना है, इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इसका पता चल सके. दिस इज दैट सिंपल. ठीक है, और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सर्चिंग. अगर आप यही वीडियो में अगर उस ब्लॉग पे या उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो लोग फूड को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं या फूड को वो खाना पसंद करते हैं या फिर वो अपनी फूड की रेसिपी शेयर करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इररेलेवेंट 100% ऑफ द टाइम. ठीक है, अगर आप अभी आप कहेंगे जनाब आपने देखा अभी फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के पर भी आपको अपना मीडियम चूज करना है. ऊपर है आपको वहां भी अपना मीडियम चूज करना है. अगर आप लिंक्डइन पे हैं, यूट्यूब पे हैं, आपको अपने मीडियम का अपने मैसेज के बाद इतना पता होना चाहिए जितना आपको अपना नहीं पता. ठीक है, तो दिस सीम्स लाइक फनी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट ऑनलाइन अर्निंग एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट प्लीज कमेंट डाउन बिलो इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन. अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप उस अपने फ्रेंड को टैग कर सकते हैं जिसके बारे में आप केयर करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो भी इससे फायदा उठा सके. ठीक है, तो लेट मी गेट बैक टू द पॉइंट. तो जब आपका मीडियम चूज हो गया कि जनाब मुझे फेसबुक के ऊपर जाना है, मुझे लिंक्डइन के ऊपर जाना है, उसके बाद आपके आगे आ जाती है मार्केट. ठीक है, मार्केट, मार्केट आर द पीपल हु आर योर ऑडियंस ऑन फेसबुक, हु आर योर ऑडियंस और फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, हु आर योर ऑडियंस एंड फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और व्हाटएवर दे आर. You have to go to your market. पहले आपने मैसेज ऐड किया, फिर आपने मीडियम चूज किया, फिर आप गए एक मार्केट में जहां पे जाके आपने अपनी उस मैसेज को शेयर कर दिया. तो these were the three M's of marketing that are going to help you 100% of the time in content distribution management. If you want to know how part, प्लीज कमेंट डाउन कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट क्या आप इसको कर कैसे सकते हैं. अगर आपको अभी तक ये आइडिया हो गया कि ये एक्चुअली कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है क्या है, ठीक है, ये क्यों होती है, ये किस लिए होती है और ये किस तरह से होती है, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इधर कमेंट करें तो वी विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू लर्न. ठीक है, तो इन लास्ट आई एम गोइंग टू आंसर सम क्वेश्चंस from my Facebook page and let me view the questions of the people about online earning and content distribution management. जी, तो मोहम्मद इमरान ने हमसे पूछा कि content distribution management is a new thing and I have never listened of it. From where you have listened of it?
जी मोहम्मद इमरान, तो एक्चुअली कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट स्किल्स इन द इंडस्ट्री। इवन बिफोर 1 month आई हैव नो आइडिया अबाउट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। वी आर द फर्स्ट वन हु आर गोइंग टू टीच यू एंड हु आर गोइंग टू हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड विद दिस एंड हु आर गोइंग टू हेल्प यू टू गेट सक्सेसफुल टू अचीव योर सक्सेस इन योर लाइफ विद कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। दिस इज समथिंग एडवांस्ड फ्रॉम मार्केटिंग। ये मार्केटिंग से भी अगला स्टेप है कि आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट आती है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट आ गई तो यू हैव टू लर्न नो स्किल्स आफ्टर दिस स्किल। अगर आपको एक मैसेज का अच्छे तरीके से डिलीवर करना आता है तो फिर आपको कोई और चीज सीखने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा मैसेज को राइट करें, मीडियम को चूज करें, अपनी मार्केट को चूज करें और आप इसको शेयर करते हैं। और इसमें अब मैं आपको लास्ट में सबसे एक ऐसा प्रीशियस टिप बताता हूँ कि जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये हेल्प करेगा। मैं ये कहूँगा कि ये आपको यही सीखना चाहिए सबसे पहले, अगर आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में सक्सेसफुल होना चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न दैट पार्ट। दिस इज फॉर द रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको रिलेशनशिप बनाने और आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली देखें, अगर आपके जितने ज्यादा रिलेशंस होंगे उतना ज्यादा आपका बड़ा नेटवर्क होगा, उतना ही ज्यादा बड़ा आपका बिजनेस हो सकता है। ठीक है, अगर आपका बड़ा नेटवर्क है वो डिपेंड करता है कि हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं 2000 बंदों के साथ एक टाइम पे बात करूं तो मुझे ये चाहिए सीखना कि मैं उनसे कम्युनिकेट कैसे करूं। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो इट्स मीन आई एम गुड इन कम्युनिकेशन। अगर आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आई एम वेरी बैड इन कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस इज दैट सिंपल। यू हैव टू लर्न कम्युनिकेशन। एक्चुअली व्हेन यू हैव टू राइट अ मैसेज फॉर योर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कैंपेन, यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट विद एवरी पर्सन इन द मार्केट हु इज गोइंग टू रीड योर मैसेज। एट द एंड आप किसी भी बंदे के साथ कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं, आप उससे बात ही कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब आप उसके साथ फर्स्ट मैसेज उसको सेंड करते हैं या फिर आप उसके साथ पहली बार कोई डायलॉग करते हैं तो दिस विल क्रिएट योर इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड। और जिस तरह वो आगे से आपको रिस्पॉन्स देता है, एंड दैट थिंग गोइंग टू क्रिएट हिज इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, एंड इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर तो आप किसी नए बंदे के साथ इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो आपके साथ एक अच्छे रिलेशन की तरह, एक अच्छे बिजनेस रिलेशन की तरह कनेक्ट हो जाए, तो यू कैन सेल हिम एनीथिंग। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेट नहीं करना आता, अगर आपको रिलेशनशिप नहीं बनाना आता, अगर आपको कम्युनिकेट तो करना आ गया, अगली चीज यह है कि आपको उसी कम्युनिकेशन को यूज करके उस जो बंदा आपकी बात सुन रहा है उसको आपको रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे ये चाहिए कि मुझे ये सीखना चाहिए कि मैं आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कीबोर्ड है, वो आप ज्यादा लाइकली पसंद करेंगे बिकॉज यू आर मोर कनेक्टेड टू मी देन एनीवन एल्स इन द मार्केट। और आपको अपने कस्टमर के साथ हमेशा यही करना है कि आपको उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन से इम्प्रेस करके और उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ताकि वो कभी भी अगर कीबोर्ड लेने का सोचेगा या उसका फ्रेंड सोचेगा या उसकी कम्युनिटी में कोई भी सोचेगा तो ही इज गोइंग टू शाउट आउट, ओ जनाब मिस्टर ओसामा इज गोइंग टू सेल दिस कीबोर्ड, आई हैव दिस दीज फीचर्स एंड आई एम सो मच इंप्रेस्ड एंड दिस हेल्प मी टू सेव माय टाइम एनर्जी एंड इट हैज एवरीथिंग। वो तो आपको पूरे पूरा आपको रिव्यू और टेस्टिमोनियल दे छोड़ेगा एक सेकंड। एंड इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन, इट इज ऑल डिपेंड हाउ यू मैनेज योर रिलेशनशिप। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस टुडे। आई एम गोइंग टू डू अ लाइव सेशन फॉर न्यू अपडेट्स अबाउट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इन नेक्स्ट वीक ऑन मंडे 8 PM पाकिस्तान टाइम, एंड वी विल ज्वाइन यू सून। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और पाकिस्तान का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।